सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम लोग खेलने वाले हैं जस्ट काउस। और गाइस, जिन जिन लोगों ने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी ना, तो फटाफट से जाकर के यार पिछली वाली वीडियो देख लो। पिछली बारी में हम लोगों ने मंडोजा के, मतलब जो मंडोजा अपना मेन विलन है इस गेम का, उनकी यार हम लोगों ने रॉकेट की ऐसी की तैसी कर दी थी। और उसके जिस रॉकेट से वो सिटी को तबाह करने वाला था, उसकी हम लोगों ने ऐसी की तैसी कर दी थी। चलो फटाफट से यहाँ पे अपना जो एमओ वगैरह सब होता है वो हम लोग यहाँ पे भर लेते हैं। वैसे यार एक मिनट, मैं ये रॉकेट लॉन्चर भी ले लेता हूँ जो कि अपना नया शायद से नया खुला है, या फिर यार मैंने काफ़ी टाइम से ये गेम खेला ही नहीं। और गाइस, आप लोग को लगता है कि अगर आप लोग को ये लग रहा है कि मैं ये गेम क्यों खेल रहा हूँ, तो गाइस आप लोग को बता दूँ ना कि ये गेम एकदम से एंडिंग एंडिंग पे पहुँच चुका है। मतलब ज़्यादा कुछ अब बचा नहीं इस गेम में, इसीलिए गाइस इनको यहाँ पे हम लोग ख़त्म करके ना इसके जो अगले पार्ट है, मतलब इनका जो सेकेंड पार्ट है जस्ट कॉज टू, इसीलिए गाइज हम लोग ये गेम आज यहाँ पे खेलने जा रहे हैं। और गाइज हम लोग इसकी सीरीज़ को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देंगे, और उसके बाद जो अपनी जस्ट कॉज टू वाली गेम है वो हम लोग नहीं खेलने वाले हैं। और एक मिनट यार, यहाँ पे यार और हमें क्या क्या करने पड़ेंगे? वैसे अपना हेल्थ फुल है, हम लोगों ने सारे के सारे वेपन उठा लिए, और यार रॉकेट लॉन्चर भी एक ले लिए हैं। बाकी यार हम लोग के पास हर एक चीज़ है। एक मिनट, क्या मेरे पास री स्टॉक में एमओ री स्टॉक कर लेते हैं हम लोग? तो गाइज हम लोग के पास पूरा का पूरा एमओ यहाँ पे हो चुका है। और एक मिनट यार, ये भी गन की तो एमओ हो चुकी है। मतलब यार अभी हम लोग पूरी की पूरी फुल तैयारी में है। और गाइज अपना फ्रेंड हमें क्या मिशन देगा उसकी हमें कोई भी आइडिया नहीं है, इसीलिए गाइज हम लोग पूरी की पूरी तैयारी में चल रहे हैं। वैसे यार मैं हाथ में अपनी ये वाली गन पकड़ लेते जो कि एकदम मशीन गन है, जो कि सबसे तगड़ी वाली गन है। तो मैं फटाफट से ना गाइज अब माड़िया मैडम को कॉल कर देता हूँ, और वो हमें आएगी यहाँ से ले लेगी। तो अभी मुझे इस जगह पे जाना है। तो ठीक है भैया, यहाँ पे आ जाओ। तो मैंने यहाँ पे लाल स्मोक कर दिया है। तो अभी ना गाइज वो माड़िया मैडम आ रही है। मतलब यार जब भी इसे कॉल करके बुलाओ ना तो ये तुरंत आ जाते हैं यहाँ पे। हम लोग को सिर्फ स्मोक करना होता है और ये आ भी जाती है। तो खैर यार यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, और ये हम लोग यहाँ पे पहुँच भी गए। तो हम लोग को यहाँ से छोड़ दिया गया है, और हमें अपने फ्रेंड के पास ये यूँ ही पैदल जाना पड़ेगा। वैसे यार बगल में ही है, कोई दूर पे नहीं है जो हमें पैदल जाना पड़ेगा। मतलब मैं ऐसे बोला था कि पैदल जाना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम लोग इनसे बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं कि ये अपना फ्रेंड जो है हमें क्या बताता है। अच्छा, तो ये लोग अंदर में यहाँ पे अपना काम वगैरह सब कर रहे थे, तो हम लोग भी अंदर चलते हैं। ठीक है, तो ये लोग बता रहे हैं ना कि लास्ट टाइम के धमाका से ना मंडोजा काफ़ी ज़्यादा डर गया था। अच्छा, तो एक मिनट यार, ये जो दिखा रही है ना, इसे क्या करना भाई? भाई मुझे ये उड़ाने दे दो। बहुत बढ़िया यार, मेरे को यार ये चीज़ें उड़ाने के लिए मिल गई है। पता नहीं यार वो क्या था, शायद से यार कोई पावर प्लांट सा लग रहा था। पावर प्लांट नहीं गाइज लग रहा था, बस ऐसा लग रहा था ना कि जैसे वो कोई सेटेलाइट वगैरह सब हो। तो फटाफट से ना गाइज हम लोग यहाँ पे सीधे चलते हैं, और गाइज हमें इस डायरेक्शन में जाना है। आप लोग देख लो यार, मुझे उस डायरेक्शन में जाना है और मैं इधर चल रहा हूँ। वो यार मैं क्यों चल रहा आप लोग को बता देता हूँ, क्योंकि देखो यार बगल में ही एयरपोर्ट है, और मुझे एक तगड़ी वाली शायद से यहाँ पे कुछ ना कुछ हम लोग उड़ा करके ले जाने। देखो यार वहाँ सामने मुझे क्या मिला है, आप लोग को अगर दिख रहा होगा तो आप लोग खुद देख लो। एक मिनट यार, मैं फटाफट से यहाँ से ऐसे करके चले जाता हूँ। और गाइज हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, और हम लोग इसके अंदर चले जाते हैं। तो भैया हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, और सीधे हम लोग इसको उड़ा उड़ा करके सीधे वहीं पे ले जाएंगे। और शायद से यार वहाँ पे सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, इसीलिए गाइज हम लोग अच्छे अच्छा हो जब हम लोग पूरी की पूरी तैयारी में आए थे। तो मैं सीधे जा करके उसके अड्डे में ये भिड़ाने वाला हूँ। तो भैया हम लोग यहाँ पे उड़ चुके हैं, और यार कहीं अपने पास, मतलब यार ऐसा नहीं हो कि अपने पास पूरा का पूरा स्कैम हो जाए अपने साथ में। तो गाइज हम लोग यहाँ से उड़ चुके हैं, और हम लोग सीधे चल रहे हैं उसके अड्डे पे। यार यहाँ से दिख रहा है भाई साहब, यार कितना बड़ा उसका बेस है। यार उसके बेस को आप लोग देखो यार, कितना बड़ा लग रहा है। मुझे यार लग रहा है कि यहाँ पे हम लोग ज़रा से भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और हम लोग यहाँ पे, एक मिनट, मुझे थोड़ा और नीचे करके उड़ाना चाहिए, और मैं सीधे जा करके ना इनमें यहाँ पे भिड़ाने वाला। तो गाइस यार हम लोग यहाँ पे सीधे अपने हेलीकॉप्टर को यहाँ पे लेके आ चुके हैं। और गाइस क्या हम लोग यहाँ से अगर उतरेंगे तो हम लोग एकदम से सही जगह पे उतरे हैं। तो भैया मैं काम करता हूँ, यहाँ हम लोग जब तक ऊपर पे है ना तो यहाँ पे हम लोग सेफ़ है। और गाइस ये हेलीकॉप्टर, यार हेलीकॉप्टर नहीं गाइस, ये जो अपना जेट है वो यार इतनी आसानी से यहाँ पे लैंड कैसे हो गया? मुझे यार ये बात का अफसोस अफसोस नहीं गाइस, मुझे अजीब लग रहा है। तो मैं फटाफट से यार यहाँ पे एक बम मार देता हूँ, और शायद से हम लोग यहाँ से भागते हैं। तो अपना ये पूरा का पूरा ब्रिज यहाँ पे टूट गया। और अपना यार गिरियो मत भाई, छोड़ो यार उसे गिरने दो, वैसे यार हम लोग इनका क्या ही करेंगे। और गाइस हम लोग यहाँ पे क्या कहाँ पे आ चुके हैं? शायद से यार हम लोग यहाँ पे नीचे के साइड पे आ चुके हैं।
मुझे यार फटाफट से यहाँ से निकलना पड़ेगा। और भाई मतलब यार तू तू यहाँ पे ऊपर में क्यों चढ़ा हुआ है, निकल तेरी ऐसे कितने से। और अभी मुझे यहाँ से नीचे भागना पड़ेगा, तो भागते रहो भाई, भागते रहो भागते रहो। मैं यहीं से छलांग लगा देता हूँ और हम लोग सीधे चलते अपने सेकेंड वाले टारगेट पे, मतलब अपना सेकेंड वाला टारगेट जो है ये वाला टारगेट है, मैं इसमें भी एक बम मार देता और ये अपना टूट जाएगा। खैर ये काफ़ी ज़्यादा आसान मुझे लग रहा है। और यार इनको यहाँ पे यार गाड़ी वाड़ी से कहीं ठोक वोक दिया तो मेरा यार यहाँ पे काम हो जाना है। तो यार मैं खुले में तो ऐसे नहीं लड़ पाऊंगा इनसे। देखो यार मेरी हेल्थ की ऐसी किसी से इन्होंने कर रखी है और मुझे अब उस वाले बेस पे जाना है। भाई साहब ये तो यार काफ़ी ज़्यादा ऊंचा मुझे लग रहा है, मैं यार यहाँ से कैसे तोड़ूंगा उसे। मुझे यार इनके ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता, अच्छा सा कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मुझे यार देखना पड़ेगा कि मैं इसके ऊपर आखिर चढ़ूँ कैसे। वैसे एक मिनट यार, इधर से कोई सीढ़ी वीढ़ी मुझे मिल जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा सही रहेगी। तो भैया कोई सीढ़ी दे दो, एक काम करो यार तुम कोई सीढ़ी दे दो मुझे यार, कहाँ से यार मैं चढ़ूँ इन पे यार। यार ये भी यार कहाँ कहाँ बना करके रखे हैं, मुझे यार आइडिया भी नहीं लग रहा। और इनको यहाँ से मैं इनसे निपट लेता सबसे पहले, क्योंकि यार इन्होंने ग्रेनेड मार दिया। भाई साहब यार ग्रेनेड भी मार देते ये लोग। यहाँ पे मैंने इनको डाउन कर दिया और अपना हेलीकॉप्टर भी, गाइस ये लोग हेलीकॉप्टर यहाँ पे बुला चुके हैं। यार मुझे फटाफट से यहाँ पे ना अपने लिए, तो हेल्थ मिल गया तो मुझे यार फटाफट से अपने लिए एक ऊपर चढ़ने की जगह खोजनी पड़ेगी जहाँ से हम लोग ऊपर चढ़ेंगे। मुझे तो यार यहाँ पे कोई भी ऐसी जगह नहीं मिल रही जिससे यार हम लोग ऊपर चढ़, बट यार ये लोग भी यार दिक्कत ही दे रहे हैं मुझे। तो मुझे ना गाइस यहाँ पे कोई ऊपर चढ़ने वाली जगह खोजनी पड़ेगी, अभी तक तो यार मुझे कोई मिल नहीं रही ऐसी कोई जगह। अरे यार इस समय पे रीलोड क्यों, तो गाइस मुझे एक जगह मिले जिससे हम लोग ऊपर चढ़ सकते हैं। मतलब हम लोग अगर यहाँ से ऊपर चढ़े तो शायद से हम लोग एकदम से अपनी मंजिल पे पहुँच जाएंगे। तो भैया एक मिनट, मुझे उस जगह पे जाना है ना, ठीक है। तो मैं इधर से ऐसे ऐसे करके जाता हूँ और यार यहाँ तो रास्ता ही बंद है, मुझे यार कोई और रास्ता यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। वैसे मैं ऊपर तो आ गया बट यार मुझे जहाँ जाना है वहाँ पे मैं नहीं आया। वैसे यार ये भाई ये भाई दिक्कत दे रहा, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे रहा। मैं इसी हिसाब से पहले डाउन करता, निकल तेरी ऐसे कितने से। तो भाई साहब उसका हेलीकॉप्टर यहाँ पे डाउन हो चुका है तो मैंने इसकी पटाखे बजा दी। तो हाँ गाइस मुझे यहाँ पे एक रास्ता तो मिला है, मैं यहाँ पे चढ़ चढ़ के चले जाता हूँ। तो इधर से तो यार रास्ता अपना बंद है। तो अभी ना गाइस मुझे उधर जाने के लिए थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा, मतलब इस तरफ से जाना पड़ेगा। और अब मैं देखता हूँ कि यार मुझे फिर से यहाँ पे नीचे उतरना पड़ रहा है। यार कैसे कैसे से रास्ते हैं भाई साहब, यार काफ़ी ज़्यादा अजीब अजीब से रास्ते हैं। तो गाइस मुझे ये फाइनली एक सीढ़ी, यार तुम लोग कितने हेलीकॉप्टर बुलाओगे यार, मुझे यार इसे भी डाउन करना पड़ेगा, नहीं तो यार ये बंदा मेरे पीछे पड़ गया ना गाइस तो कुछ करने नहीं देगा। तो मैंने इसे भी यहाँ पे डाउन कर दिया। अब मैं इसके ऊपर चढ़ता हूँ और हम लोग यहाँ से सीधे अपना काम करके ना यहाँ से डायरेक्ट उतरने वाले हैं। और अब जाकर के अपना तीसरा भी, यार इन्होंने यार काफ़ी ज़्यादा अपने गोलियाँ बजा दी अपने, यार मुझे ये फोड़ना पड़ेगा किसी तरह। तो मैंने एक बम मार दिया और यार फटाफट से यार उतर भाई, भाई तू डांस क्यों कर रहा भाई, उतर ले। अबे यार मेरे भी लग गई। तो भाई साहब ये देखो यार पूरा का पूरा खंभा यहाँ से गिर गया। और गाइस हम लोग भी यहाँ पे जाने वाले हैं, तो भागना, भागते रहो भाई भागते रहो। जब यार लगे ना तेरे बस की कुछ भी नहीं है तो भाग लेना चाहिए, सीधे सीधे भाग लेना चाहिए और कुछ भी सोचना नहीं चाहिए। तो भाई साहब मुझे यहाँ पे जंप करना चाहिए और अभी जाकर हम लोग थोड़ा सा बस यहाँ पे सेफ हुए हैं। यार ये कितने हेलीकॉप्टर बुलाएंगे भाई साहब, मुझे यार इनके हेलीकॉप्टर से बेसिकली बच के रहना, बाकी यार बंदों से मैं ऐसे निपट लूँगा। देखो भाई तेरे बस की कुछ है क्या, हेलीकॉप्टर खाम खा यार ये लोग हेलीकॉप्टर बुला लेते, तेरे बस की कुछ है क्या या फिर तेरे बस की है। भाई कितने भी आ जाओ भाई, भीड़ लो मेरे से यार, एक एक करके आओ भाई, एक एक करके क्या पूरे के पूरे एक साथ आ जाओ भाई, तेरे बस की कुछ ना। इसे ही मुझे यहाँ पे डाउन करना पड़ेगा। और एक मिनट गाइस, अब मुझे यहाँ पे रुकना ही नहीं है, मैं यार यहाँ पे क्यों इनके साथ टाइम पास कर रहा हूँ, मुझे यार जबकि यहाँ पे रुकना ही नहीं। तो मैं इनकी ही गाड़ी, अगर मैं गाड़ी पे चढ़ाना तो मेरे यार आरपीजी बजा देगा अपना, वो जो हेलीकॉप्टर है ना वो गाइस मेरे आरपीजी बजा देगा। मुझे यार किसी तरह इसी तरह करके यहाँ से भागना पड़ेगा। और एक मिनट क्यों ना मैं इसके हेलीकॉप्टर का यूज़ करता हूँ, मैं यार इनके आगे चलता हूँ और मैं ऐसे करके यार वहाँ पे चले जाऊँगा। तो भाई हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, मतलब यार हम लोग एटलीस्ट उसके बेस से बाहर, यार यहाँ भी इन लोगों ने पीछा नहीं छोड़ा है, मुझे यार यहाँ से किसी तरह भागना पड़ेगा। मैं काम करता हूँ, जंगल में अगर छुप गया ना तो अपना काम यहाँ पे बन जाएगा। मतलब यार ये लोग तो हेलीकॉप्टर यार टाइम टू टाइम यहाँ पे बुला लेते हैं, मैंने उनके दो दो हेलीकॉप्टर फोड़ दिए लेकिन यार उन्हें यार अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे ना गाइस किसी तरह इनसे बच बच करके इनके बेस के बाहर निकल, बाहर तो वैसे हम लोग निकल गए हैं बट यार शायद से इनका एक और बेस है। यार मुझे कितने फोड़ने पड़े यार, तुम लोग क्यों मजाक कर रहे हो। और मैं यहाँ से यार यहाँ तक तो आ गया हूँ बट यार ये हेलीकॉप्टर यार अपना पीछे पड़ चुका है और गाइस शायद से ये हमें काम करने नहीं देगा ठीक से। यार खाम का यार ये लगातार फायरिंग बढ़ता है जा रहा है, मुझे यार इनको यहाँ पे छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए। खैर यार छोड़ो, हम लोग ऐसे जंप करते करते अगर भागेंगे ना, मतलब अगर हम लोग पेड़ों से यहाँ कवर ले लेते लेते भागेंगे
तब यार ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो हम लोग ऐसी इसी तरह भाग रहे, थोड़ी मोड़ी हेल्थ डाउन होगी बट यार वो तुरंत ही अपनी रिकवर हो जाती है, मतलब थोड़ी सी हेल्थ ऐसी है। फाइनली हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, मतलब यहाँ तक एटलीस्ट आ चुके हैं, मतलब उन हेलीकॉप्टर ने ना अपना आना यहाँ पे मुश्किल कर दिया था। लेकिन हम लोग इनके बेस में ना आगे से एंट्री नहीं करेंगे, हम लोग इनके बेस पे पीछे से एंट्री करने वाले हैं और जब जाकर के हम लोग चोरों की तरह घुस करके उसके सैटेलाइट को यहाँ पे उड़ा देंगे। और अभी देख लो यार यहाँ तो एक भी बंदा मुझे नज़र नहीं आ रहा, मैं फटाफट से ना गाइस पीछे के साइड पे चलता हूँ क्योंकि यार आगे से काफ़ी सारे बंदे हैं और मुझे यार एकदम से मूड नहीं है, मतलब अभी तो यार मूड नहीं है इनसे यहाँ पे लड़ने का। और कहीं वो हेलीकॉप्टर दोबारा नहीं यार एक बंदा यहाँ पे घूम रहा है, मैं यार इनसे इनको यहाँ पे डाउन कर देता हूँ। थोड़ी सी गोली तो अपने भी लग गई बट यार उतना चलता है, अपनी हेल्थ यहाँ पे दोबारा रिस्टोर हो जाएगी। तो अब मैं इस साइड से यहाँ पे चलता हूँ और एक बंदा वहाँ पे घूम भी रहा है। और एक मिनट यार वो भाग कहाँ रहा है, तो उनको लग रहा है ना कि हम लोग पीछे आगे की साइड से आ रहे हैं बट यार हम लोग तो पीछे की साइड से आ रहे हैं, इसीलिए गाइस वो सीधे आगे भागा। और अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और कहीं वो हेलीकॉप्टर दोबारा आ गया ना भाई साहब तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। और चल 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 चलते रहिए ऐसे की तरह, गिर गिर गिरते रहिए ऐसे की तरह। तो मैंने इसे यहाँ पे डाउन कर दिया, मैं इनकी यहाँ पे एमओ उठा लेता थोड़ी बहुत। और वो हेलीकॉप्टर भी यहाँ पे आ चुका, मुझे यार हेलीकॉप्टर की तरह बच के रहना पड़ेगा, नहीं तो यार वो अपनी ऐसी की तैसी कर देता। मैं काम करता हूँ, मैं हेलीकॉप्टर के ना यहाँ पे आरपीजी बजा देता हूँ। और एक मिनट यार अभी कौन मार रहा है मुझे यार यहाँ से, कौन मार रहा है, मतलब यार काफ़ी सारे बंदे यहाँ पे आ चुके हैं लगता है। मुझे यार इनकी हेलीकॉप्टर की यहाँ पे ऐसी तैसी करनी पड़ेगी। थोड़ी सी शक्ल तो दिखाओ भाई, शक्ल तो दिखाओ मुझे। तो भाई साहब हम लोगों ने उसकी हेलीकॉप्टर की ऐसी तैसी कर दी है फाइनली। और एक मिनट यार ये बच कैसे गया, तो अभी अभी मरा यार, इतना वक्त लेने के बाद यहाँ पे मरा है। और अभी हम लोग आराम से यहाँ पे चढ़ सकते हैं, मतलब एटलीस्ट हमें थोड़ा सा टाइम तो मिल चुका है। और यार यहाँ पे एक और हेलीकॉप्टर इन्होंने बुला लिया और वो देखो यार वो तो सामने में ही है। भाई साहब यार मैं इनसे कैसे यहाँ पे भिड़ूंगा, मैं फटाफट से यहाँ से ग्रेनेड, एक ग्रेनेड तो यहाँ पे मारता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ। मैं यार इनके नीचे नहीं कूदने वाला हूँ, मैं एटलीस्ट यहाँ पे रहता हूँ। और लोग आए यहाँ पे, अपना एक सेटेलाइट तो जा चुका है और एक हेलीकॉप्टर भी यहाँ पे बचा हुआ है, तो मैं यहीं से नीचे कूद जाता हूँ और शायद से ये सही रास्ता होगा यहाँ पे नीचे कूदने, मतलब यार तो वो रही अपनी एक बाइक, तो मैं यहाँ से नीचे कूद जाता हूँ। और गाइस मुझे वो वाली बाइक अगर मिल जाए ना, तो यहाँ पे एक बाइक थी मैं आप लोग को दिखा देना चाहता हूँ। तो भैया यहाँ पे एक बाइक मिल चुकी है, भाई साहब मुझे इसी की ज़रूरत थी। मैं यहाँ से सीधे अब यहाँ से निकलने वाला हूँ, मैंने यहाँ से जंप कर, और एक मिनट भाई साहब जंप कर, तो मैंने यहाँ से जंप लगा दी है। और मुझे किसी तरह ना गाइस यहाँ पे अब जा कर के अपने टारगेट पे चलना पड़ेगा, तो मैं इसी तरह उड़ उड़ के चले जाता हूँ और मैं किसी पे भी अभी एम करने वाला हूँ नहीं, मुझे ऐसे करके यहाँ से एस्केप करना पड़ेगा। तो भाई साहब एक लग रहा है यार हम लोग एस्केप यहाँ पे कर भी पाएंगे या फिर नहीं, यार भाई साहब एस्केप हो जा तो हम लोग यहाँ से कम यहाँ से निकल चुके हैं। मैं किसी तरह करके ना वहाँ पे ऊपर तो चले जाऊँगा। तो हमें टोटल 7 से 8 सेकंड का यहाँ पे टाइम दिया था बट यार हम लोगों ने फाइनली यहाँ से एस्केप कर गया। और देखो यार वहाँ पे पूरा का पूरा आइलैंड वहाँ पे ब्लास्ट हो चुका है भाई साहब, हम लोगों ने यार काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा दी यहाँ पे। और मैडम जी तो काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रही है, यार ऐसे वैसे कपड़े वपड़े मत पहन के आया करो, मैं सेड्यूस हो जाता हूँ। तो अभी अपना मिशन भी कंप्लीट हो चुका है और हम लोग यहाँ पे एकदम से इस वाले आइलैंड पे आ चुके हैं। एक अननोन सा आइलैंड है और वहाँ पे एक लाइट हाउस लगा हुआ है। तो मुझे यार एक मिनट, क्या मैं लाइट हाउस के ऊपर एक बार चढ़ के देखता हूँ कि क्या मुझे वहाँ पर कुछ मिलेगा। मैं फटाफट से ना गाइस भागते भागते वहाँ पर चले जाता हूँ और शायद से वो एक टाइम पर अपना एजेंसी होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखो यार वहाँ पर तो एजेंसी का मार्क वहाँ पर अपने को देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर हम लोग क्या अगर लाइट हाउस पे वहाँ पे चढ़ते हैं तो आई थिंक यार वो अपना एजेंसी नहीं होने वाला है, क्योंकि एजेंसी यार काफ़ी ज़्यादा दूर है। और अपने लाइट हाउस के ऊपर वहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, वैसे सर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, आप लोग को भी दिखाता हूँ कि वहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है। मतलब यार लाइट हाउस के ऊपर में अगर हमें कुछ तगड़ी वाली आइटम मिल जाए तो वो यार काफ़ी ज़्यादा सही रहेगी। और एक मिनट भाई साहब यार लाइट हाउस को तो मैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा समझ रहा था बट यार ये तो काफ़ी ज़्यादा छोटा निकला। और हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और यार यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत यार अच्छे अच्छे आइटम ना गाइज यहीं पे कुछ कुछ अजीब से अजीब जगह पे होते हैं, तो इसीलिए गाइज मुझे यहाँ पे चेकआउट करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिल चुकी है। और गाइज काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट मिशन था, पता नहीं यार मैंने किसी तरह करके यहाँ पर पार कर लिया। और हम लोग यहाँ पर भी देख लेते हैं यार, यहाँ पर तो मुझे घंटा नहीं मिला, निकलते रहिए ऐसे कहते थे। मैं यहाँ पर फायर नहीं कर सकता क्या, मैं यार इनको यहाँ पर फोड़ देता हूँ, क्या मैं इनको यहाँ पर फोड़ सकता हूँ क्या, तो भाई साहब मैं तो इनको यहाँ पे फोड़ भी नहीं सकता। खेड़े हम लोग यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट जंप करते हैं और सीधे कोई ना कोई गाड़ी यहाँ से पकड़ लेंगे। एक मिनट, मेरे पास तो एक रोप वाली गन थी, मैं एक रोप वाली गन से ना एक गाड़ी को यहाँ पे पकड़ लेता हूँ। तो भैया हम लोग यहाँ पे गाड़ी को पकड़ लिए हैं और हम लोग ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं भाई साहब। तो गाइज यार बस आज की वीडियो को ना भाई इतना ही रखते हैं, आई होप यू गाइज कि इस वीडियो में आपको जरूर मज़ा आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में आया है मज़ा ना, तो फटाफट से जा करके एक लाइक कर देना। और हाँ यार
आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मैं इसकी अगली वाली पार्ट को कितने दिन में लाऊं, मतलब लाओ या फिर नहीं लाओ। और अगली वाली पार्ट को वैसे यार लाऊंगा तो मैं, इतना तो फिक्स है, बट यार मैं अगली वाली पार्ट को कितने दिन में लाऊं। वैसे यार एक मिनट, वहाँ तो अपना एक एयरपोर्ट भी है, और क्या ये वही जगह है जहाँ पे हम लोग पिछले बारी आए थे? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये भाई साहब वही जगह है जहाँ से हम लोगों ने अपना मिशन स्टार्ट किया था। तो हाँ गाइस, ये तो वही जगह है। मतलब यार मैंने सही सोचा, ये बिल्कुल वही जगह है। तो यहीं जहाज़ को हम लोग पकड़ करके अपने आइलैंड पे गए थे, आइलैंड पे नहीं गए, उनके बेस पे गए थे, और अपना यहाँ पे मिशन कंप्लीट हो चुका है। तो बस यार आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप यू गाइस कि इस वीडियो में आपको जरूर मज़ा आया होगा, और अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया ना तो फटाफट से यार एक लाइक जरूर कर देना। बाकी यार आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।